पूरी जिंदगी लोगों की फलाह बेहूद रह करने वाफ करी लिया। हाजिर नाजरी आए लोगों की नजर से आम पानी बाकी कंपनी उर्दू में खिला दो बड़े मीडिया रिपोर्टर्स भी इन्वाइटेड हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है दोनों के अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं ना आया गए आपकी पुरजोर तालियों में हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब सादिक सोराठिया। वेलकम करता हूँ मोहम्मद अलमीमनी का, अबू बकर साहब का और सब मीडिया वालों का, हमारे पेट्रॉन, हमारे बोर्ड मेंबर और ख़ास तौर पे खालिद तनुमा हमारे इवेंट के हेड हैं। एडी साहब, उन्होंने अपना जो भी ये फाउंडेशन की शुरुआत हुई किया था वो उन्होंने एक एम्बुलेंस से किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो फाउंडेशन आज वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन फाउंडेशन है। मासा में आज कई कमेटियाँ हम लोग ने स्टार्ट की है और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हम लोग पहले जो क्लॉथ और ये सब का पुराने क्लॉथ ये सब करते थे आज हमारा काम बढ़ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें पूरी कमिटी, पहले एक या दो मेंबर होते थे, तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ हर बंद किसी ना किसी के पास पैसा रहता है, किसी के पास टाइम है, कुछ नहीं है तो घर में अपने पुराने कपड़े हैं, पुरानी मेडिसिन है, 10 मिनट देना है उनको ढूंढना है। हम लोग के मासा के वॉल्यूंटियर के नंबर आपके पास है, हम लोग को फ़ोन करो, हम लोग लड़के आएंगे, वो कलेक्ट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नीडी है उनको पहुंचाएंगे। सदर मासा महतरम जनाब शेख सिकंदर साहब, मासा की दुहे नवा और कम्युनिटी मामलात में चलाने में मुखलिस और मासा के हर मेंबर की दिल की धड़कन है और एडी अवार्ड याफ्ता भी है। मैं दावत देता हूं कि वो आए और अपने ख्याल से मुस्तफीज फरमाए। आपकी भरपूर ताली में तशरीफ लाते हैं जनाब मोहतरम शेख सिकंदर साहब। तमाम मेहमान गिरामी और तमाम साइमीन को सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहूँ कि रबीउल अव्वल का महीना है और मोहसिन इंसानियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी सुन्नत है कि गरीबों को खाना खिलाओ, गरीबों की मदद करो, वेलफेयर का काम। हमने जब यहाँ ये मेहमान वेलफेयर बनाई तो हमारा भी यही मकसद था कि मेहमान वेलफेयर का काम करें और कोई रंग और नस्ल नहीं, कोई जात नहीं, कोई भी इंसान हो जिसकी हम खिदमत करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चीज़ साबित भी की कोविड के दौरान, तो इसीलिए हमें फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान से हमें अवार्ड दिया गया इस सिलसिले में और ये हमारा सब टीम वर्क था। ये है कि अब हमने उन्हीं से सीखा है वेलफेयर का काम, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो टीम है, हमारे हम इस मरतबा जो हमारी टीम में सारे यंग लोग हैं तो उन्हीं को यही मेरी है कि अभी काम करें, आप काम करें, इनाम की और इनाम की आप फिक्र ना करें, इनाम देने वाला अल्लाह है और इंशाल्लाह जब लोग देखेंगे आप काम करेंगे तो आपको है ना सब कुछ मिलेगा। मुझे खुद इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल के बाद मुझे एडी अवार्ड दिया गया, तो अब इस वक्त अभी हम जो जिस शख्स को एडी अवार्ड के लिए नामजद किया हुआ है माशाल्लाह पिछले 12 साल से वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। एज अ मीडिया हेड ऑफ मासा मैं शुक्रगुजार हूँ प्रेस, हमारे प्रेस के नुमाइंदान का कि वो भी आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और आज जो हम हमारे जो हीरो हैं ना सिर्फ ये मेमन कम्युनिटी के हीरो हैं बल्कि ये पूरे पाकिस्तान और दुनिया में भी हीरो माने जाते हैं। हम आज एडी साहब की जो पूरी लाइफ गुजरी है और किस तरह से उन्होंने गुजारी है उसकी एक छोटी सी झलक एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में हम आपके सामने पेश करें। आलमी सतह पर मशहूर और मारूफ सामाजिक और फलाही शख्सियत मौलाना अब्दुल सत्तार एडी की बेमिसाल और बिन उस इंसानी खिदमत के सिले में इनको खराज अकीदत पेश करती है।
40 साल मैंने गोली चलाई, चलना माँ में किसी के पास नहीं गया। जब भी मुझे जरूरत है मैं फुटपाथ पर खड़ा रह जाता हूँ, गरीब से गरीब भी मुझे पैसा देता है। बहुत ही नेकी का काम कर रहे हैं, अल्लाह हमको इसका अजर दे। ना जात पात ना मजहब, सिर्फ इंसान इंसान। जो इन्होंने पूरी अपनी एक जो बताया अपने बारे में कि एंटी के साथ इन्होंने काम किया था। मोहतरम हाजरी, आज के मेहमान हैं खुशखबरी मोहतरम मोहम्मद अमीन अल मेहंदी, एक मुअज्जिज बिजनेसमैन और सामाजिक पर्सनालिटी हैं। भरपूर ताली में तशरीफ लाते हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद अमीन अल मेहंदी साहब। तो मैं गल चाहूँगा चंद अशार नाथ के पेश करूँ, उसके बाद मेराज की शब शाह उमम नाम मोहम्मद, लिखते रहे सब लोह कलम नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाई है जो खुशबू हरम नाम मोहम्मद, हो जाए मेरे दिल पे रहम नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी साहब को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है, उनके खिदमत के सामने ये खराज कोई हैसियत नहीं रखता। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तेरी जिंदगी मिसाली तू है सादगी का पैगर, तेरा हर नफस सिबारत तेरा कुछ नेहा नहीं है, गमे दोस्ता नहीं है गमे आशिया नहीं है। तेरा नक्श हर कदम पर तेरी जिंदगी है रोशन, तेरी सादगी हकीकत तेरी दास्ता नहीं है। वो चला गया मसीहा जो दिलों को जोड़ता था। सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट फॉर लास्ट 40 इयर्स, प्लीज वेलकम मिस्टर अमित। जैसे सुपारी साहब उन्होंने दुनिया में हर जगह काम किया, न सिर्फ पाकिस्तान में तालीम कॉलेज जब भी छुट्टी होती थी उनके साथ जाकर काम किया करते थे और देखा बहुत बड़ी से देखा। मासा की पूरी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करूंगा कि आप जो हमारे कौमी हीरो हैं अब्दुल सत्तार इदी साहब, उनकी बरसी हो, उनका जन्मदिन हो, कोई भी उनके हवाले से दिन हो, आप हर साल मनाते हैं और उनकी यादें ताज़ा करते हैं। वो हमारी पाकिस्तानी कौम के दिलों में तो जिंदा है, उनका मकाम तो कोई नहीं ले सकता। ताकि हमारी नई नस्ल को उनके बारे में पता हो और हमारी नई नस्ल जो है उनके नक्शे कदम में चले और इसी तरह जो है अपने मुल्क अपने कौम की खिदमत कर सके। माशाल्लाह से आज की तकरीब जो अब्दुल सत्तार एडी के हवाले से की गई है, लास्ट टाइम भी किया था, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी तारीफ में तो कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, जो उन्होंने किया सबने देखा। जैसा कि अभी अली मोहम्मद खान ने कहा कि फलाही हसर बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम सब लोग मिलकर काम करें, और मासा जिस तरह से कर रही है मैं इसका ऐनी शाहिद गवाह हूँ कि मासा वाकई लोगों की फलाह के लिए काम कर रही है और अब्दुल सत्तार एडी का जो मिशन है उसको आगे दे रहा। बहुत शुक्रिया। और वो बिना शुबा अब्दुल सत्तार एडी की जीती जाती जाती तस्वीर है। इस वजह से मासा के पैनल ने इनको फोर्थ एडी अवार्ड के लिए मुंतखब किया है और ये हैं जनाब अहमद कमाल मकी, जिनको जिनको जिद्दा की मेमन बरादरी जानती मानती और नाश करती है। तमाम तो 12 साल के बाद ये अवार्ड देने में आया, अल्हम्दुलिल्लाह सूर्य भाई और एक साथी सूरज भैया और पूरे टीम के साथ ये काम हुआ है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं 12 साल से ये काम कर रहा हूँ, कर रहा था अभी 10 साल से शोएब भाई ने जब टीम बनाई तो 1500-2000 किलो माशाल्लाह जाता है,
सबसे बड़ा हाथ है इसमें मेरी वाइफ का, उसका फ्लू किया, उनसे हिम्मत दी, ये बहुत अच्छा काम है, आप फ्लू करें, मैं पीछे साथ दूंगी। और उसके साथ ये मेरे दो बच्चे माशाल्लाह मोहम्मद सुल्तान, ये हमेशा हर वक्त में रेडी होते हैं। ये कोविड के अंदर भी माशाल्लाह इतना अनाज बांटना करना, एक आवाज़ पे तैयार हो जाते थे सब जगह लाना करना। अभी जो माशाल्लाह हमारी जो कमेटी बनी है सपोर्ट कमेटी, तो माशाल्लाह इन्होंने इतना फेसबुक पे इसने डाला हुआ है कि मक्के से किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल से किंग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है वहाँ से फोन आते हैं डॉक्टर लोग के कि भाई आपकी मासा टीम में ये कपड़े वगैरह कैसे ले जाते हैं, क्या है, किस तरह से हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करूँगा जब तक मेरी जान है और हिम्मत से यही काम करूँ और बच्चों को भी यही सिखा रहा हूँ कि आगे कभी भी इस तरह से बहुत अजर देना है। आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया।